अच्छा, भारत में किसी लड़की का पति मर जाए, किसी औरत का पति मर जाए तो उसकी जिंदगी वीरान हो जाती है, आज भी समाज जीने नहीं देता। लेकिन उस कठिन दौर से बाहर निकलना, समाज के लिए कुछ करना, भारत में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। और एक बड़ा उदाहरण राजस्थान से है, राजस्थान के उदयपुर से 60 किलोमीटर दूर मानपुर में मोती मीणा नामक लड़की है। मोती मीणा आज से लगभग 7 वर्ष पहले पति की मृत्यु हो गई किसी बीमारी के कारण। दूर दराज का इलाका था, जो आसपास के डॉक्टर से उनको समझ नहीं आई बीमारी, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया। अपनी आमदनी इतनी नहीं थी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सके। नतीजा पति की मृत्यु, पति की मृत्यु हुई। ससुराल वालों ने मोती का घर से निकलना बंद कर दिया, कि रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, घर से निकलना बंद हो गया। ऊपर से राजस्थान, राजस्थान तो आपको पता है बदनाम है, जैसे कि हरियाणा, लड़कियों की सुरक्षा के लिए और इन सब पे प्रश्न चिन्ह लगते रहे। अब लेकिन मोती मीणा के मन में सपना था। सपना क्या था? कि अब किसी और की मृत्यु ना हो। उसे यह भी पता था कि उसके गांव में, आसपास के गांव में अगर एक साथ 10 बच्चे जन्म लेते हैं तो 4 बच्चों की मृत्यु हो जाती है जन्म के बाद। मन में बड़ी भारी इच्छा थी कि अब कोई और नहीं मरना चाहिए, मेरा पति मर गया तो मर गया, लेकिन अब किसी और की मृत्यु दवाई और इलाज के अभाव में नहीं होनी चाहिए। 2009 में गांव में एक शिविर लगा। ससुराल वालों ने शिविर अटेंड करने से मना कर दिया कि नहीं बहू, हो तुम यहां नहीं जाओगी। लेकिन इससे पहले क्या था, जब पति की मृत्यु हुई तो वो 5वीं पास थी, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए कुछ करना था, उसने 10वीं कर ली ससुराल में रहते। अब 2009 में ससुराल वालों ने जब मना करा स्वास्थ्य शिविर में जाने से, वो घर से भाग गई और स्वास्थ्य का जो जागरूकता के लिए जो शिविर था वो अटेंड करा। शाम को जब घर आई तो ससुरालियों ने बच्चों सहित घर से बाहर निकाल दिया, मायके चली गई। मन में इच्छा खूब थी कि कुछ भी हो, मुझे ये टारगेट, अपना सपना पूरा करना है। कोई भी इंसान बिना इलाज के मरना नहीं चाहिए, बच्चों की मृत्यु दर कम होनी चाहिए। ये इच्छा शक्ति किसकी, जिसे हम अनपढ़ कह रहे थे 5वीं पास मोती मीणा। 2012 में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक कैंप लगा, स्वास्थ्य कैंप, ट्रेनिंग कैंप 9 महीने का। अपने बच्चों को मायके में छोड़ करके दूर 9 महीने ट्रेनिंग के लिए गई। दिक्कत होती थी, उदास हो जाती थी, बच्चों के लिए भी चिंतित हो जाती थी, तो मन में एक ही बात आती थी, शी सेड, रियलाइज करती थी कि मेरे पति की मृत्यु बिना इलाज के हुई है, मुझे मेहनत करनी है कि हमारे क्षेत्र का बच्चा बच्चा स्वस्थ रह सके। और उसकी मोटिवेशन रंग लाई। आज उसने 20 औरतों को, आसपास के गांव की 20 औरतों को प्राथमिक स्वास्थ्य ट्रेनिंग दे दी है, प्राइमरी हेल्थ वर्कर तैयार कर दिए हैं। साथ ही साथ उसके क्षेत्र में अब किसी की भी बिना दवाई के या इलाज के अभाव में मृत्यु नहीं होती। बच्चों की मृत्यु अब बहुत पास्ट की बात हो गई, कभी पहले हुआ करता था। ये इच्छा शक्ति ही तो थी मोती मीणा की। अगर इच्छा शक्ति थी, बाधाएं आई, दिक्कतें आई, सब दूर गई, आज उदाहरण है पूरे भारत के लिए। ऐसे बहुत से उदाहरण हमारे आसपास, अगर हम उनको देखें तो हम कभी भी निराश ना हों और समाज और देश के लिए अच्छे दिन लाने की कोशिश करते रहें।